हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे आटे और आलू की बहुत ही खस्ता और फूली फूली कचौरियाँ। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 2 कलछुल आटा और 1 कलछुल मैंने मैदा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मंगरला और अजवाइन को ऐसे हाथों के बीच रगड़कर डालूंगी, जिससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डाला है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच ऑयल भी लूँगी, क्योंकि इससे मोयम बहुत अच्छी होती है और आपकी जो कचौरियाँ हैं बहुत ही खिली खिली और खस्ता बनती है। तो इन सभी चीज़ों को आटों में अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। आपको आटे और मोयम को तब तक मिक्स करना जब तक ये अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। उसके बाद जब आपके मोयम मिक्स हो जाएगी तो आप ऐसे आटों को बांध के देख लेना। जब आपके आटे अच्छी तरीके से बन जा रही है, इसका मतलब है कि आपका जो मोयम पड़ा है वो बहुत ही परफेक्ट पड़ा है। फिर यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े पानी को लेकर के आटे गूँथ लूँगी। आपको ज़्यादा हार्ड आटा भी यहाँ पर नहीं लगाना है, ना ही आपको सॉफ्ट आटा लगाना है। जैसे आप रोटियों के लिए आटा लगाते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर आटा लगा कर तैयार करना है। और इस आटा को लगाने के लिए मुझे यहाँ पर 1/2 गिलास से थोड़ी सी ज़्यादा पानी लगा है। तो अब इस आटे को मैं यहाँ पर ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, जिससे कि हमारे आटा अच्छे से फूल जाए। फिर मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है। फिर उसके बाद मैं इसे एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। तो आलू को आप जब बॉईल करो उसे 2 से 3 घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ देना। तुरंत ही बॉईल करके आप इसे मत बनाना, तो जिससे कि आपकी कचौरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। आप जब भी आलू बॉईल करो उसे 2 से 3 घंटे अच्छे से ठंडे होने देना, उसके बाद ही आप उसे बनाना। फिर मैं यहाँ पर छोटे वाले ग्रेटर को लेकर के अपने 4 से 5 लहसुन की कलियों को यहाँ पे मैं ग्रेट करके डालूंगी। आप चाहो तो कूट करके भी डाल सकते हो, पर ग्रेट करने से कि इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। फिर मैं यहाँ पर 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लेकर के इसे भी मैं यहाँ पर ग्रेट करके डाल दूँगी। फिर मैंने यहाँ पर 1 मिर्ची को भी ऐसे ग्रेट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरा धनिया बारीक काट के यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड की है, 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, फिर 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डालूँगी और इन सभी चीज़ों को मैं डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर प्याज भी डाल सकते हो बहुत ही बारीक काट करके। तो इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से आपको मिक्स करना है। तो मैंने इनसे मिक्स कर लिया है। अब हमारा जो आलू का मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। तो जो हमने आटा को फूलने के लिए रखा था, तो हमारी आटा भी अच्छी तरीके से फूल कर तैयार हो गई है। इसे हम 2 से 3 बार ऐसे अच्छी तरीके से हाथों से मल लेंगे और उसके बाद इसकी लोइयाँ हम काट लेंगे। तो आपको रोटी के जितनी साइज़ की आप लोइया काटते हो बिल्कुल उतनी ही बड़ी यहाँ पे आपको लोइया लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से अपने सारे लोइयों को काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो कितने बड़े साइज़ के मैंने लोइया यहाँ पे काटा है। तो अब हम बनाएंगे इसकी कचौरियाँ भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 आटे के लोइया को ले लिया है, उसमें अच्छी तरीके से परथन लगा लिया है और इसे दोनों हाथों से ऐसे अच्छी तरीके से दबा दबा के फैला लेंगे। आपको किनारे की ओर से आपको इसे ऐसे बड़ा करना है, जिससे कि आपके बीच में जो मोटा होना चाहिए और आपको ऊपर के भाग को थोड़ा सा फैलाना है अपने हाथों से। अब मैं यहाँ पर आलू के मिश्रण को अपनी कचौरियों में भरूंगी। तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 चम्मच ही आपको यहाँ पर आलू का मसाला डालना है। आप ज़्यादा ना डालें, नहीं तो आपकी कचौड़ियाँ हैं जो फटने लगेंगी। तो अगर आपके हाथ में आलू का मसाला चिपके तो आप यहाँ पर सूखा आटा ऐसे लेकर के इसके ऊपर लगाओगे तो ये आपके हाथों में नहीं चिपकेंगे और बहुत ही आसानी से ये भर जाएंगे। तो इसे चारों ओर से अच्छी तरीके से दबाते हुए इसे भरना है और फिर ऐसे गोल गोल घुमाना है, जिससे कि अंदर आलू का स्पेस बने और आपके जो आलू है अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने दोनों हाथों से दबाते हुए इसके मुंह को अच्छी तरीके से बंद कर दूंगी और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसे मैं निकाल दूंगी और उसे मैं अपने हाथों से ऐसे दबा दूंगी, जिससे कि आपके जो कचौड़ियाँ हैं वो फटेंगी नहीं और बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे कचौड़ियों के लिए मसाला भर लिया है। तो यहाँ पर मैं 1 कचौड़ी का आटा लूँगी, तो इसे मैं अच्छी तरीके से हल्के हाथों से आपको 2 से 3 बार आपको बेलन चलाना है और आपकी जो कचौड़ियाँ हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। आपको ज़्यादा बेलन नहीं चलाना है और ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें बेलन चलाना है,
इसी तरीके से मैंने सारे कचौड़ियों को बेलकर तैयार कर लिया है। इधर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा था, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आटे को लेकर के ऑयल को आप चेक कर सकते हो। जब आपके आटा डालने के बाद ऑयल गर्म हो जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ पर अपने कचौड़ियों को डालेंगे। तो आप चाहो तो एक एक करके भी छान सकते हो, मैंने यहाँ पर तीन डाला है क्योंकि मेरे तीन जितनी ऑयल है उसमें तीन जाएंगी कचौड़ियाँ। तो आपको यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमेशा लो ही रखना है। आपको एक बार तेल गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को आप लो कर दें और इसे थोड़ी देर ऐसे फूलने दें, ये खुद ही फूल जाएंगे। आप देखना, इसे खुद ही फूल जाएंगे, आपको इसे ज़्यादा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही फूल जाएंगे। जब एक ओर से आपके ये सिक जाएंगे तो आपको इसे दूसरी ओर ऐसे तरीके से पलट लेना है, आपको बिल्कुल हल्के हाथ से पलटना है। तो दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पका लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो फिर से ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो फिर हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे और हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो इसका सारा ऑयल ऐसे निकाल करके हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम अपना दूसरी कचौड़ियाँ छानेंगे। तो आप दूसरी कचौड़ियाँ जब भी छानें तो आप ध्यान रखें कि जब हमने पहली बार कचौड़ियाँ छानी तो ऑयल हमारी बहुत गर्म होती है, तो आप उस टाइम पे गैस का फ्लेम को ऑफ कर सकते हो, फिर आप लो करके उसके बाद कचौड़ियाँ डालना, फिर आप गैस की फ्लेम को ऑन कर देना। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी कचौड़ियाँ बहुत ही खिली खिली बनी है, बहुत ही बिना फटे और बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर आपको इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से रेसिपीज़ को बनाना बताया जाएगा, जिसे देखकर आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो और घर पर बना सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप भी एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताना। मैं आपको दूसरी कचौड़ी पे ऐसे तोड़कर दिखा देती हूँ कि ये अंदर से भी कितनी अच्छी भरी है और बहुत ही टेस्टी लग रही थी फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में ये बहुत ही अच्छी बनी थी, और अगर मेरी रेसिपी आपको फिर से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।